मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज उज्जैन के पीटीएस क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीपी किट पहनकर मरीजों का हाल जाना और स्वास्थ्य को लेकर मरीजों से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रिश्ते रक्त रंजित ना हो जाएं, हमको यही प्रयास करना चाहिए और मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने संपूर्ण इंतजाम किए हैं। महाकाल मंदिर पहुंचे गृह मंत्री मिश्रा के साथ कई कार्यकर्ता भी जबरन धक्का मुक्की करते महाकाल मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। वहीं दर्शन के दौरान भी बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए कार्यकर्ता गृह मंत्री के साथ दर्शन करने पहुंच गए। इस मौके पर गृह मंत्री ने महाकाल मंदिर में ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा रामदेव की कोरोना वायरस वाली दवाई का मध्य प्रदेश में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस के लिए सजग है और सावधानी से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। कोविड सेंटर गया था जहाँ पेशेंट भर्ती है, उन सब से मिला था। एक कोशिश है कि लोगों को ये रहे लगे कि रिश्ते रक्त रंजित ना हो जाए इसमें, क्योंकि तो जिस तरह से मोहल्ले में अगर कोई कोरोना का पेशेंट निकल आए तो पूरा मोहल्ला उसको हिकारत की नजर से देखता है, ये अच्छा नहीं है। कोरोना डरने की चीज नहीं है, सावधानी की चीज है। हम सावधानियां रखेंगे, कोरोना हो भी जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार ने सारी व्यवस्था की है। सावधानियां आपका रखने का काम है। अस्पताल फ्री है, दवा फ्री है, वेंटिलेटर फ्री है, बेड फ्री है, सब कुछ फ्री है और हमारी रिकवरी रेट 78% है। इससे अच्छा और क्या होगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है और खासकर रिश्ते रक्त रंजित न हो, परस्पर भाईचारा बना रहे। भाई अगर भाई को देखने अस्पताल नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश थी, मैं खुद गया था बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश के ये कोरोना का किल हो जाए, इस कोरोना से मुक्ति हो जाए,